नशा मुक्ति के लिए, समाज से नशे की जड़ को खत्म करने के लिए लगातार 24 घंटे दुर्गा चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया। ये पाठ पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम से संपन्न हुआ। दुर्गा चालीसा का पाठ के समापन समारोह में आए हुए अतिथियों का स्वागत नगर में भव्य रैली व कलश यात्रा निकालकर किया गया। दुर्गा चालीसा पाठ के माध्यम से लोगों को नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया जा रहा है। डिंडोरी में 22 अप्रैल को दुर्गा चालीसा पाठ प्रारंभ किया गया था। इस दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धिधाम ने करवाया है और 23 अप्रैल को इसका समापन हुआ। इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष पूजा शुक्ला व शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम के मुख्य सचिव आशीष शुक्ला का आगमन हुआ। बता दें कि अतिथियों के स्वागत के लिए नगर में भव्य रैली व कलश यात्रा का आयोजन किया गया। भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष पूजा शुक्ला ने कहा कि हमारे संगठन से करोड़ों ऐसे लोग जुड़े हैं जिन्होंने मांस मटन मदिरा छोड़ने का संकल्प ले लिया है। हमारे संगठन का लक्ष्य भी डिंडोरी को नशा मुक्त बनाने का है और पूजा शुक्ला ने यह भी बताया कि हमारा संगठन देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जन जागरण का कार्य कर रहा है। संगठन द्वारा समाज कल्याण हेतु और नशा मुक्ति अभियान के लिए गाँव गाँव व शहर शहर में अखंड दुर्गा चालीसा पाठ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भगवती मानव कल्याण संगठन का मूल उद्देश्य है कि समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त किया जाए, चरित्रवान बनाया जाए, क्योंकि आज अगर समाज में देखा जाए तो अपराध की मूल जड़ नशा है। आज व्यक्ति अपने सोचने समझने की क्षमता नष्ट करता चला जा रहा है, वो सिर्फ नशे की वजह से। अगर समाज नशा मुक्त हो जाए तो अपने आप धीरे धीरे समाज की कई बुराइयाँ खत्म हो जाएंगी। तो मूल उद्देश्य तो हमारा नशा मुक्त है, नशा मुक्ति है समाज का। लेकिन समाज कल्याण की दिशा में जो भी हम कर सकते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि समाज के हित के लिए हम वो कार्य कर सकें। और समाज के लिए यही संदेश है, आपके क्षेत्र के लिए भी यही संदेश है कि जो भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं और जो समझदार लोग हैं वो सामने आए और जो दीनहीन है, असहाय है, उनकी सहायता करें लोगों को नशा मुक्त करने में और समाज को सुव्यवस्थित संगठित करने में अपना सहयोग प्रदान करें। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।